Click the subscribe button and press the bell icon for more updates. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाले हैं स्पार्क्स के शूज, जिनका मॉडल नंबर है SM421। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से और हमें यहाँ पे डिलीवरी रिसीव हुई है ऑन द टाइम। दोस्तों, आप इस बार देख सकते हैं कि पैकेजिंग भी काफी अच्छी की गई है फ्लिपकार्ट की ओर से, प्रोडक्ट कहीं से भी डैमेज नहीं है। और यहाँ पे हम प्राइस की बात करें तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपको बॉक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी ₹1049, लेकिन हमने इसे परचेस किया है सेल के अंदर तो हमें ये टोटल कॉस्ट पड़ी है ₹840। अगर आप भी परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं बॉक्स कंटेंट हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे पैकेजिंग को काट लेते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे कि बॉक्स कंटेंट हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो हमने निकाल लिया है पैकेजिंग से बॉक्स को बाहर, तो चलिए इसे अब ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा स्पार्क्स का शूज, जिसका मॉडल नंबर है SM421। तो ये हमने ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से और आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांडिंग आपको स्पार्क्स की देखने को मिल जाती है यहाँ पर, और थोड़ा और पीछे की साइड आपको एक लोगो देखने को मिल जाता है। और ये नीचे से आप देख सकते हैं रबड़ का यूज किया गया है जो कि काफी अच्छा ग्रिप आपको यहाँ पे देता है। और टॉप पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पार्क्स की ब्रांडिंग की गई है जो कि काफी अच्छी है। और यहाँ पे जो हमने ऑर्डर किया है साइज वो है 9, क्योंकि हमें 9 ही कंफर्टेबल रहता है तो हमने ये 9 साइज ऑर्डर किया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप पर यहाँ पे कुछ ब्रांडिंग की गई है स्पार्क्स की तरफ से, तो हम इसे बाद में निकाल देंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि यह हमें कैसा कंफर्टेबल देता है हमारे डेली लाइफ को। हम रनिंग शूज इसे हम कह सकते हैं, हम रनिंग के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है स्पार्क्स का रिव्यू और उसके बाद में अब देखते हैं बॉक्स कंटेंट हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसको हटा लेते हैं, उसके बाद में आप देख सकते हैं ये है सिलिकॉन पाउच, तो ये आपको इसे साइड कर देना है, इसे यूज नहीं करना है। और नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है कैरिंग बैग स्पार्क्स की तरफ से जो कि काफी अच्छा है। यहाँ पे अच्छा खासा प्रमोशन स्पार्क्स का देखने को मिल जाता है अगर आप इसे बाहर लेके जाते हैं, इसे यूज करते हैं। तो दोस्तों कुछ ये था ओवरऑल बॉक्स कंटेंट। और इसके बाद में आप देख सकते हैं जो दोस्तों आपने फुल ओवरलुक आपने स्पार्क्स शूज का देख लिया है, आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कलर कुछ डिफरेंट है और डे लाइट में आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। और कैमरे के ऊपर आप देख रहे हैं तो थोड़ा नेवी ब्लू आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन आप जो डे लाइट में एक्चुअल अपनी आंखों से देखेंगे तो थोड़ा ग्रीनिश ग्रीनिश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कैसी रही दोस्तों ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।